देख रहे न्यूज़ 24 आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की, जिसकी अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनकी इमेज खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इससे उन्हें फायदा ही हुआ है और वो बीजेपी और आरएसएस को अच्छी तरह से समझ गए हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने चंद पूंजीपतियों के हाथों में देश की सारी संपत्ति सौंप दी है, जिससे बेरोजगारी बेलगाम हो गई है। राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट, इन दोनों को कांग्रेस पार्टी के लिए धरोहर बताया है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि यह मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली यह मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। देश की रहनुमाई के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन है? 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले उठा ये सवाल 2019 में और भी बड़ा हो गया, लेकिन जवाब जैसे पहले से तय था, यानी मुकाबले में राहुल गांधी दिखते तो हैं, लेकिन वो टिकते नहीं। राहुल गांधी की माने तो इस स्टीरियोटाइप जवाब को गढ़ने में बीजेपी ने करोड़ों रुपए फूके हैं। बीजेपी ने उनकी इमेज खराब करने में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है। राहुल गांधी की माने तो देश में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि देश की पूरी संपत्ति चंद लोगों के हाथ सौंप दी गई। बेरोजगारी है, इसका सबसे बड़ा कारण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि तीन चार लोगों के हाथ आपने हिंदुस्तान का पूरा धन डाल दिया है और हर इंडस्ट्री में वो एक के बाद एक मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के सब इंडस्ट्रीज देख लीजिए, आपको मोनोपोली दिखेगी। टेलीकॉम, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, सब में आपको मोनोपोली दिखेगी। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं जो ग्रो कर सकते हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। जो जो इस देश की नींव है, जो किसान है, उनको बिल्कुल छोड़ दिया है, उनको कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। वो दिन भर चिल्ला रहे हैं, उनको बीमा का पैसा नहीं मिलता, उनको सही दाम नहीं मिलता, उनको खाद की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, खाद मिलता भी नहीं है। राहुल गांधी ने साफ किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टिकट पर जीते तो विधायक पैसे लेकर भाजपा ही हो गए, वो भरोसे के काबिल नहीं हो सकते। राहुल ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को कांग्रेस के लिए एसेट बताया, साथ ही अमेठी से खुद के चुनाव लड़ने के सवाल को ध्यान भटकाने वाला सवाल बता दिया। आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है, ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी ने बुनियादी सवालों से जनता को दूर रखने के लिए मीडिया को भी कसूरवार ठहराया। गैर जरूरी खबरों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने और सत्ता की ठकुर सुहाती गाने का भी इल्जाम लगाया। हमारे प्रेस के मित्रों की बात की, इनसे कहते हैं देखो जनता के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, तो इनका काम जनता का जो ध्यान है उसको हटाने का है। इनके यहाँ पे पीछे लगाम बांध रखी है, इनको बताया जाता है कि भैया देखो भारत जोड़ो यात्रा चली है, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं, गलती से भी मत बोल देना, मगर इनकी गलती नहीं है क्योंकि कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है। टीवी देखते हो और आप सोचते हो भैया चैनल बदलेंगे,
पहले चैनल पे मोदी जी, दूसरे पे मोदी जी, तीसरे पे मोदी जी, चौथे पे मोदी जी, पांचवे पे मोदी जी, छठे पे अमित शाह जी, जहां देखो कभी अमित शाह जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चौहान जी, मगर किसान का चेहरा, उसके फटे हुए हाथ आपको टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले, मजदूर के आंसू टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले। सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे से शुरू हुई। जैसे ही पदयात्रा कुछ दूर आगे बढ़ी, मॉडर्न चौराहे के पास दो युवकों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। हालांकि राहुल गांधी रुक गए, पुलिस ने उन युवकों को बुलाने को कहा, लेकिन तब तक दोनों युवक 9-2-11 हो चुके थे। इंदौर से उज्जैन की ओर रवाना हुई भारत जोड़ो यात्रा में एक साइकिल सवार शख्स भी शामिल हुआ। राहुल गांधी ने कुछ देर के लिए साइकिल की सवारी भी की। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी बुलेट चलाते हुए नजर आए थे। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बच्चे ने राहुल गांधी को अपने गुल्लक के पैसे सौंप दिए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भोपाल के यशव परमार नाम के इस बच्चे ने कहा कि उसने पॉकेट मनी बचाकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए पैसे इकट्ठा किए हैं। बच्चे ने देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को देश के लिए जरूरी बताया। उनके बारे में मुझको ये पसंद है कि वो सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं। मैंने पिगी बैंक दिया था मेरा, जो यात्रा शुरू हुई थी तब से मैंने कलेक्ट किया था। समझता हूँ यात्रा के बारे में, भारत देश में जो मुसलमान हिंदू के बारे में लड़ाई होती है ना, उस बारे में जोड़ने के लिए यात्रा करी गई है। ये भारत जोड़ो हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं, सब एक समान है। बच्चे से गुल्लक लेने के बाद राहुल गांधी ने उसे गले लगाया, धन्यवाद कहा और गुल्लक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को थमाते हुए कहा कि ये यात्रा के लिए है, इसे संभाल कर रख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.